गाइज देखिए इतनी सारी मैगी <laughs> तो गाइस हार्डिक का एग्जाम था उसको लेके हम अपनी फ्रेंड्स के घर आ चुके हैं मैं ही नहीं हार्डिक के सारो फ्रेंड्स मैं अपनी फ्रेंड्स के घर आ चुके ये देखिए सारे बच्चे एकदम से उधम मजाने में मस्ती करने में लगे हुए हैं और जो सुबह में मैगी दिखाई थी ना पहली क्लिप में तो ये मैगी यहाँ पे बन रही है एक्चुअली कल ही हमने प्लानिंग की थी कि हम बच्चों के साथ और हम चारों फ्रेंड मिलके मैगी पार्टी करते हैं क्योंकि एग्जाम का के दिन स्कूल जल्दी छुट्टी होती है मतलब ग्यारह बजे तक छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा बहुत बच्चों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलता है और हमें तो मिलता ही मिलता है तो ये देखिए टेस्टी वाली मैगी बन के रेडी हो चुकी है इसमें एग डाला है बहुत ही टेस्टी वाला बना है बना था मैगी और इसमें मैगी रेडी हो गई है हमारी और पहले हम चारों बच्चों को सर्व कर रहे हैं उसके बाद हम चारों खाएंगे आ, तो एक्चुअली कल ही हो गई थी प्लानिंग हमारी तो खा पी के बारह बजे तक हम घर के लिए निकल चुके थे चारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा रखना पॉसिबल नहीं है बहुत टाइम तक क्योंकि बहुत उधम मचाते हैं तो इसलिए खा पी के फटाफट फटाफट से हम निकल आए थे उसके बाद मैं घर आके कपड़े निकाल रही हूँ के धोने के लिए कल से पड़े हुए है, कुछ कपड़े हार्डी के जिसको मुझे अभी धोना है आज इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं है और खाना भी आज कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा क्योंकि मैगी खा के आए हैं वहाँ से फ्रेंड के घर से हल्का फुल्का मतलब क्या हल्का फुल्का मतलब खिचड़ी होती है तो खिचड़ी बनाऊँगी हार्दिक और मेरे लिए थोड़ी थोड़ी खाएँगी क्योंकि मैगी अभी बारह बजे ही तो मैगी खाए तो उतना और खाना घर में आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा पाएंगे तो इसलिए मैगी सॉरी खिचड़ी तो ये देखिए हार्दिक यहाँ पे भी आके मोबाइल पर ही लगा हुआ है तो कल बताए अनि ना ग्रोसरी आने वाली थी घर में तो ये ग्रॉसरी आ गई है अभी कल शाम को ही ये सब लाए थे तो अभी मुझको यहाँ पे सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना है ये पैड वगैरह लाए थे और पैड से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है आप लोग को मैं बताऊँगी <laughs> तो ये जितनी भी सामान ज़रूरी है एक मंथ के लिए इतना सब कुछ यहाँ पे है मैं धीरे धीरे खाना बना हार्डिक को खिला के फिर सेट करूँगी तो हार्डिक को खाना खिलाना हो गया पहले नहलाया धुलाया उसको फिर हार्ट उसको खाना खिला दिया वो सब शूट करना रह गया कभी कभी कुछ पार्ट मतलब छूट जाता है भूल जाती हूँ तो ये सब डिब्बे एकदम से क्लीन है कल ही मैंने क्लीन किए थे आप लोगों ने देखा ही था तो अभी मुझको मुझे, मुझे यहाँ पे सीज़े फिल करनी है कुछ सामान मैंने कल फिल कर दिए जैसे चाय पत्ती और चीनी ज़रूरत पड़ती रहती है ना तो ये दोनों कल ही मैंने फिल कर दिए थे फिर अभी और भी सामान जैसे दाल आ, आटा तो अभी कल भूल गए थे आटा हाँ अभी लाना बाकी है लेकिन दाल तीन चार वराइटीज़ दालें आलू प्याज आ, मसाले वगैरह सब कुछ है यहाँ पे मैं अपनी जगह पे रखूँगी और जो ज़्यादा होगा उसको मैं इस डिब्बे में रख दूँगी तो ये है पैड पैड भी अभी लाए थे क्योंकि हम मंथली चीज़ों के साथ पैड भी बहुत जरूरी है अभी को ये पता है तो उन्होंने ये भी लाए थे तो पैड से जुड़ी एक बातें आप लोगों को मैं बताती हूँ मेरी एक फ्रेंड थी तो मैंने एक दिन हब फ्रेंड को बोला था अब मेरी हबी को बोला था कि आप पैड लेके आओ तो उस बात पे वो इतनी औबा कर रही थी कि तुम हबी को पैड लाने के लिए बोलो तो मैं उसको बोलूँ कि पैड लाना कौन सी बड़ी बात है <laughs> पीरियड्स के बारे में तो सभी जानते हैं पीरियड्स को छुपाना या उसको मतलब इतना वो करना मतलब ऐसी बहुत ख़राब चीज़ें ऐसे बिठाना कि क्या ज़रूरत है ये कोई टैबो नहीं है कोई बुरी बात नहीं है एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है हम जैसे सांस लेते हैं जैसे खाना वगैरह खाते हैं प्यास लगती है उसी टाइप का ही एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है पीरियड्स होना मंथली पीरियड होना मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो एकदम नॉर्मल होता है और नेचुरल होता है तो उसको छुपाने वाली या शर्म करने वाली या वो पैड को देख के एकदम से हाँ ये क्या चीज आ गई इसको छुपाओ छुपाओ छुपा के लाने ये कोई मतलब वो नहीं है आ, ये नॉर्मल प्रोसेस है और अभी मेरे लिए पेड लाए आ, वो लाती ही है हाँ मैंने आज तक शादी के बारह तेरह साल हो चुके हैं मैंने अभी तक खुद से पेड़ आज तक नहीं खरीदे वो ही ला के देते। तो मुझे नहीं लगता इस बात पे ज़्यादा कुछ मतलब कंट्रोवर्सी <laughs> करने की ज़रूरत है जो सिंपल बात है उसको सिंपल तरीके से ही रहने दिया जाए तो अच्छा है ना तो मैंने तो उस दिन मेरी फ्रेंड को बता दिया है लेकिन वो तो समझ गई लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं इस बात को और बहुत ही मतलब आड़े टेरे मतलब रास्ते में लेके जाते उस बात को मतलब क्या ही बताऊँ तो मेरे लिए तो नॉर्मल है अभी हाँ पैड ला के दे तो भी कोई वो वाली बात नहीं है ये नॉर्मल सी बात है तो चिल तो गाइज मेरा सारा काम धाम फिलहाल ख़त्म होने वाला है खाना पीना मेरा तो हुआ नहीं मैं ये सब करूँगी फिर खाऊँगी यहाँ पे सारे पाँच फूरन पान मसाला जीरा वगैरह अभी लाए हैं तो मैं देख के तो चेक कर करूँ इसको एक बार ही भाई ढोना है बचे इसलिए मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ तो गाय ये मेरी खिचड़ी साथ में अचार के साथ आम का अचार तो गाय झोंप कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल थैंक यू गाय बाय